हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी शिल्पी सिंह भदौरिया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फोर्थ चैप्टर फ्रॉम सिविक्स, दैट इज ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। सो दिस इज चैप्टर फोर फ्रॉम सिविक्स, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न It being a boy or a girl is an important part of a one's identity. Means, हम चाहे लड़का हूं या लड़की हूं, कोई भी है, एक हमारी identity का एक important part है। और जिस society में हम रहते हैं, the society where we grow teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys. Means, जिस society में हम रहते हैं, वो society हमें बताती है कि किस तरह का behavior as a boy or as a girl वो एक्सेप्ट करती है कि हम किस तरह का बिहेव करें। वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर। और हमें क्या लगता है कि जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं किसी जगह पे, जिस सोसाइटी में, उसी तरह से ये सारी चीजें हम कहीं भी चली जाए हर जगह ऐसी ही होंगी जैसे हम यहाँ पे देखते हैं। बट डू ऑल द सोसाइटीज लुक एट बॉयज एंड गर्ल्स इन द सेम वे? लेकिन क्या ऐसा है हर सोसाइटी में बॉयज और गर्ल्स को एक ही जैसा देखा जाता है? तो हम इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली। क्या पढ़ेंगे? और साथ ही साथ हमें देखेंगे कि कई सारी सोसाइटीज में मैन और वुमेन दोनों के जो काम है उनको अलग अलग तरह से देखा जाता है। द रोल वुमेन प्ले एंड द टास्क दे डू आर यूजली valued less than the roles play by men and the work they do. और जो काम औरतें करती हैं उसकी वैल्यू या उसकी गिनती कम, गणना कम की जाती है किसके कंपैरिजन में? जो मैन करते हैं या जेंट्स के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू थोड़ा कम आकी जाती है। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर एंड वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर नेक्स्ट पेज। नाउ ग्रोइंग अप इन Sama in the 1920s. Here, one story was given. It was the story from the Samoa Island, which was a part of small. It was a small island and part of southern part from the Pacific Ocean. Means a story was given here from the Samoa Island, the part of a large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. In the 1920s, according to research reports on Samoa society, children did not go to school. So you can see, in 1920, according to research, it was found that the children of Samoa society, they did not go to school. They learned many things such as how to take care of children or do household work from older children. जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, क्या सीखते हैं? स्कूल नहीं जा रहे हैं, बट दे लर्न मैनी अदर थिंग्स सच एज टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन सबलिंग, टू टेक केयर ऑफ देयर सबलिंग्स और डू सम हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम देयर ओल्डर वन। फिशिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आईलैंड। यंग पीपल देयर फोर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशन, बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट इन देयर चाइल्डहुड। जैसा कहा कि एक कैसा है, एक समा क्या है, एक आइलैंड है छोटा सा, तो यहाँ पे सबसे मेन एक्टिविटी क्या है, वो फिशिंग है। और फिशिंग क्या है, बच्चे बचपन से ही सीख लेते हैं अपने जो बड़े लोग हैं, बड़ों से जब उनका बचपन चाइल्डहुड है उसी अलग अलग स्टेजेस पे ये चीजों को वो सीख लेते हैं। एज सून एज बेबीज कुड वॉक देयर मदर और अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। और जैसे ही किसी फैमिली में जो छोटे बच्चे हैं जब वो चलना शुरू कर देते हैं तो उनकी माँ और जो घर में बड़े लोग हैं वो उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 years ओल्ड टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उनके घर के जो और बच्चे जो लगभग 5 साल के बच्चे हैं, जो 5 years तक की एज के हैं, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। बट कि वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक आफ्टर देयर यंगर सबलिंग्स, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को जो छोटे भाई बहन है उनको वो देखेंगे। बट बाय द टाइम
A boy was about 9 years old. He joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. लेकिन जब उस फैमिली में जो बॉय है जब वो 9 साल का हो जाता है तो वो क्या करता है, एक अलग अपनी फ्रेंडशिप है जो अलग तरह का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेता है। और उस ग्रुप में वो क्या सीखता है, वहां पे जाके किस तरह से मछली पकड़ना है, प्लांटेशन मीन्स जहाँ पे नारियल के पेड़ लगाए जा रहे हैं, वो ये सारे काम करने लगता है। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुक आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू इरेनिंग्स फॉर एडल्ट टिल दे वर टीनेजर्स। लड़कियों का काम क्या है, लेकिन लड़कियां अभी भी अपना जो काम उन्हें दिया गया है अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करना वो काम करती रहती है। बट वंस दे बिकम टीनेजर दे हैड मच मोर फ्रीडम। लेकिन जैसे लड़कियां कैसी होती हैं, टीनेजर मीन्स जब वो थोड़ा बड़ी हो जाती हैं 13 ईयर्स में आके, तब उनके पास ज्यादा आजादी हो जाती है। एट द एज ऑफ 14 और जैसे ही 14 साल की होती हैं, गर्ल्स किसमें, गर्ल्स भी बाहर निकलती हैं किसके लिए, फिशिंग के लिए। वर्कड इन द प्लांटेशंस और जो नारियल के पेड़ लगाने का काम है उसमें भी काम करती हैं, प्लांटेशंस में भी काम करती हैं। लर्न हाउ टू वीव बास्केट नॉट ओनली इन प्लांटेशन एंड फिशिंग बट दे ऑल्सो लर्न टू वीव बास्केट। कुकिंग वॉज डन इन अ स्पेशल कुकिंग हाउसेस where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparation. Aur cooking aise har jagah har ek ke gharon mein jaise hum log kya hoti hai waise nahi hoti. Samoa island mein cooking kaisi hoti hai, ek alag tarah ke unke kitchen bane hue hain aur sab log ek sath milkar wahan pe cooking hoti hai. Mostly the men are engaged in cooking and girls are engaged in the to help in preparation. Girls are not going to cook food but they help in the preparation. So this was the story of the Samoa Island in 1920s. Now we are going to start our next paragraph, growing up male in Madhya Pradesh in the 1960s. So, हमने पहले Samoa Island के बारे में पढ़ा जिसमें क्या था कि चाहे वो boy हो या girl हो, जब एक girl है उसको 14 years के बाद ज्यादा आजादी हो जाती है, वो भी बाहर fishing के लिए जाएगी, साथ ही साथ coconut plantation में काम करती है, baskets बनाती है। बॉयज थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं उस कम्युनिटी और सोसाइटी में, क्या है बॉयज 9 ईयर्स के बाद में फिशिंग के लिए चले जाएंगे। अब एक जो हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट वो क्या है, मध्य प्रदेश के बारे में 1960s के बारे में। द फॉलोइंग इज अडॉप्टेड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल टाउन मध्य प्रदेश इन 1960। अब ये एक डेटा लिया गया है, अडॉप्टेड डेटा है 1960 में मध्य प्रदेश से। From class 6 onward, boys and girls went to separate school. The girls' school was designed very differently from the boys' school. Or 6th class se, means up to class 5th, boys and girls study in same school, means with co-ed education. But after 6th, yeah, from 6th onward, the schools were separate. The girls had different school and the boys will go in boys' school. And the girls' school was designed very differently from the boys' school. जो लड़कियों का स्कूल है वो भी कैसा बना होगा, जो लड़कों का स्कूल है उससे बहुत डिफरेंट होगा। They had a central courtyard where they played in the total seclusion and safety from the outside world. जो लड़कियों का स्कूल है उसमें क्या है कि चारों तरफ से बाउंड्री जैसी है बिल्डिंग बनी हुई है, बीच में एक कोर्टयार्ड है एक आंगन जैसा है जहाँ पे जब उनका गेम्स पीरियड हो, फ्री पीरियड जब भी होगा तब लड़कियां क्या करेंगी, उसमें खेलती हैं, कोर्टयार्ड में खेलती हैं। क्यों, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड है उससे वो सेफ रहेंगी वहाँ पे। द बॉयज स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड एंड आवर प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल। लेकिन जो बॉयज का स्कूल है वो कैसे डिफरेंट है गर्ल्स के स्कूल से कि वहाँ पे ऐसा कोई भी कोर्टयार्ड नहीं है, उनके पास एक बड़ा सा स्कूल जो बिल्डिंग है उससे लगी जो स्कूल है उससे लगा हुआ एक प्ले ग्राउंड है और अपने सारे गेम्स है जो भी उनके स्पोर्ट्स है वो वहीं होते हैं। एवरी इवनिंग वंस द स्कूल वॉज ओवर द बॉयज वॉच द हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट एज द गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट दे लुक सो पर्पजफुल। और जैसे ही स्कूल ओवर होता है मीन्स स्कूल की छुट्टी होती है तो बॉयज क्या देखते हैं कि कई संख्या में हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स जो एक नैरो सी पतली सी सड़क है उससे क्या कर रही हैं, अपने घरों की तरफ जा रही हैं,
उस सड़क से जा रही। As these girls walked on the street, they looked so purposeful. This was unlike the boys who used the street as a place to stand around idly. और ये कैसी है कि ऐसी है कि भाई वो जो एक रोड जिससे लड़कियां अपने घर जा रही हैं भीड़ भाड़ वाली जगह से, लड़कों के लिए रोड कैसी है, वो वहां पे मस्ती करते हैं, साइकिल पे चला रहे हैं साइकिल, तो उस पे कोई ना कोई ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। टू अराउंड द हेड टू प्ले टू ट्राई आउट ट्रिक्स वेयर विद देयर बाइसिकल्स, मीन्स लड़कों के लिए जगह कैसी है अपनी साइकिलों के साइकिल के साथ में खेलना या फिर उस पे कुछ ट्रिक्स करना। For the girls, the street was simply a place to get straight home. लेकिन लड़कियों के लिए कैसी जगह है वो? वो केवल एक ऐसा रास्ता है जिससे कि वो अपने घर जाएंगी। The girls away went in groups, perhaps because they were also carried fears of being teased or attacked. और मोस्टली क्या देखा गया कि जब लड़कियां जाती हैं अपने घरों में तो कैसे जाती हैं? ग्रुप्स में जाती हैं सारी की सारी गर्ल्स। और क्यों? क्योंकि उनको ये डर है कि कहीं कोई उनके अंदर भय है, फियर है बीइंग टीज, मतलब कोई उन्हें परेशान ना करे, कोई उनको पे अटैक ना करे, इसीलिए मोस्टली जो गर्ल्स हैं वो किस में चलती हैं? ग्रुप्स में चलती है। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर रीडिंग दीज टू एग्जांपल्स वी रियलाइज दैट देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। जैसा हमने कहा एक समाओ आइलैंड 1920s का पढ़ा और ये 1960s मध्य प्रदेश के बारे में जाना, इन टू एग्जाम्पल्स को देखकर या पढ़कर हमें क्या रियलाइज हुआ कि हर जगह पे डिफरेंट वेज हैं बड़े होने ग्रोइंग अप, दैट देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू ग्रो अप, कि अलग अलग तरीके हैं बड़े होने के लिए। ऑफन वी थिंक दैट देयर इज ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप, दिस इज बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विद अवर ओन एक्सपीरियंस। If we talk to elders in our family, we will see that their childhood were probably very different from ours. और हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हम सोचते हैं कि नहीं, जैसे हम रह रहे हैं, हमने जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे सारे लोग बड़े होंगे, लेकिन ऐसा है। आप अपने घर में जो एल्डर हैं, आपके दादी बाबा, उनसे पूछोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि उनका बचपन हमारे बचपन से, आपके बचपन से काफी अलग था। We also realize that societies make clear distinctions between boys and girls. और साथ ही साथ हम क्या realize करेंगे जब उनसे बात करेंगे, तो ये भी realize करेंगे जो हमारी society है उसने clear कर distinctions बना रखे हैं, मतलब भेद है दोनों में boys और girls के। This begins from a very young age. We are, for example, given different toys to play with. और ये हम अपने family में ही देखें कि क्या होता है, जब हम बहुत छोटे होते हैं तभी से डिस्टिंक्शन शुरू हो जाते हैं, मीन्स ये डिफ्रेंसिएशन हैं दोनों में बॉयज और गर्ल्स में शुरू हो जाएंगे बहुत छोटे होते हैं तभी से। उसका एक और एग्जांपल ले लो तो क्या होगा, जो टॉयज हमें खेलने के लिए दिए जाते हैं बचपन से ही वो बहुत अलग होंगे। जैसे कि जब गर्ल्स कोई छोटी होगी तो उसको क्या दिया जाएगा, डॉल दे दी जाएगी कि इसे डॉल दे दो, और बॉयज रहते तो उन्हें क्या होगा, कुछ अलग तरह के बॉल दे देंगे, अलग तरह के टॉयज दिए जाते हैं। वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विद, बॉयज आर यूजली गिवन कार्स टू प्ले विद एंड गर्ल्स डॉल। बॉयज को क्या दे दी जाएगी, कार दे दी जाएगी, आप कार चलाइए, और गर्ल्स को क्या जाएगी कि आप बुढ़िया से खेलिए। बोथ टॉयज कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विद, व्हाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज कार्स। दोनों खिलौने हैं और दोनों खिलौने के साथ हम बहुत मजे के साथ खेल सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों को हमेशा डॉल दी जाती है और लड़कों को क्या दिया जाएगा, ज्यादातर को कार दी जाती है। आपने देखा होगा मोस्टली बॉयज जो है डॉल से नहीं खेलते, हाँ गर्ल्स कार के साथ खेल सकती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बॉयज मोस्टली आपने ज्यादा देखा होगा कि कोई भी शायद ही ऐसा हो जो डॉल से खेलना पसंद करता हो। व्हाई आर गर्ल्स दैट गिवन डॉल्स एंड बॉयज कार्स, toy become a way of telling children that they will have different futures when they become men and women. और हम बचपन से ये जो छोटे बच्चों को क्या सिखाने लगते हैं कि जब वो बड़े होंगे फ्यूचर में तो उनका जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो बिल्कुल अलग होगा। एज ए अभी तो क्या है, बॉय और गर्ल है, जब वो मैन और वुमेन बनेंगे तो द वे ऑफ लिविंग वो दोनों के अलग अलग हो जाएंगे। इफ वी थिंक अबाउट it, this difference is created in the smallest and most everyday things.
how girls must dress, what games boys should play. All these are ways of telling children that they have specific roles to play when they grow up to be a man and woman. Later in life, this affects the subjects we can study or the careers we can choose. और बचपन से हमें बता दिया जाता है कि हाँ अभी से ही हमने लड़कियों को डॉल दी, बॉयज को कार्स दी खेलने के लिए, और शुरू से हर जगह से एक शुरुआत से ही ये चीजें हो जाती है स्टार्ट कि किस तरह से लड़कियों को कपड़े पहनने चाहिए, लड़कों को किस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, लड़कियों को कौन से गेम्स खेलने चाहिए, बॉयज के कौन से गेम्स होते हैं उनको वो गेम्स खेलने चाहिए. ये सारी चीजें क्या बताती हैं, बच्चों को क्या सिखाती हैं कि दोनों के एक स्पेसिफिक रोल्स हैं जो बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे. जब वो मैन और वुमेन बनेंगे तो उनके अलग अलग रोल्स हो जाएंगे. और ये सारी के सारी चीजें क्या करती हैं, जब हम पढ़ते हैं, हम अपना पढ़कर आगे बढ़ते हैं, अपना कैरियर चुनते हैं, तो उस पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है. इन मोस्ट सोसाइटीज इंक्लूडिंग अवर ओन, द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली. जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, उन दोनों में जो रोल वुमेन प्ले करती है या मैन प्ले करता है उसको इक्वली नहीं देखा जाता. मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, और एक बराबर उनको एक, मतलब एक तरह से हम कहें कि हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि वहां पे इक्वालिटी नहीं देखी जाएगी. मैन और वुमेन दोनों के स्टेटस भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे. सो लेट अस लुक एट हाउ दिस डिफरेंस एग्जिस्ट द वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन. सो हम देखते हैं, एक और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए जिससे कि हमें पता चलेगा कि किस तरह से आदमी और औरत के कामों को अलग अलग देखा जाता है. एक देखिए स्टोरी बोर्ड दिया है, मैं रीड करती हूँ. माय मदर डज नॉट वर्क. यहाँ का स्टोरी जो एक स्टोरी बोर्ड, इसका टाइटल क्या है, माय मदर डज नॉट वर्क, कि मेरी माँ काम नहीं करती. माँ, वी आर गोइंग ऑन ए स्कूल एक्सकर्शन. रोजी मैम नीड अ वॉलंटियर. कैन यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एज एंड वॉलंटियर. यहाँ पे एक गर्ल है, वो अपनी माँ से बात कर रही कि माँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं, स्कूल एक्सकर्शन पे बाहर जा रहे हैं, हमारी रोजी मैम ने ये कहा है कि आप क्या अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती है एज ए वॉलंटियर. हरमीत्स मदर ऑलवेज कम्स फॉर एक्सकर्शन बिकॉज शी डज नॉट वर्क. फिर वो क्या बोलती है अपनी माँ से कि हाँ, एक और उसकी कोई फ्रेंड है जिसका नाम क्या है, हरमीत, कि हरमीत की मम्मी हमेशा एक्सकर्शन पे आती है. क्यों? क्योंकि वो काम नहीं करती. और यहाँ पे जो एक गर्ल है उसकी मम्मी ऑफिस में कुछ वर्क करती है, वर्किंग वुमेन है, तो बोलती है क्या आप ऑफिस से छुट्टी लेकर हमारे साथ स्कूल एक्सकर्शन पे आओगी. तो वो अपनी एक और फ्रेंड का एग्जाम्पल देती है कि हरमीत की मम्मी तो हमेशा आती है. अब ये जो लड़की अपनी मम्मी से बात कर रही है उसका नाम क्या है, सोनाली. तो फिर से उसकी मम्मी क्या कहती, सोनाली, हाउ कैन यू से दैट, यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क. अब जो गर्ल अपनी मम्मी से पूछ रही है कि आप एक्सकर्शन पे चलोगे, तो वो लेडी अपनी बेटी को क्या कहती है, बेटी का नाम क्या है, सोनाली. तो सोनाली तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम्हें पता है जसप्रीत आंटी, जसप्रीत आंटी मीन्स हरमीत्स मदर, वो सुबह 5 बजे जग जाती है डेली और पूरे घर के काम करती है. तुम कैसे कह सकती हो कोई काम नहीं करती. यस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट्स जस्ट हाउस वर्क. फिर से सोनाली क्या करती है कि हाँ काम करती है लेकिन वो सच में काम नहीं है, रियल वर्क नहीं है, वो क्या है, घर के काम. मीन्स जो हरमीत है उसकी मम्मी मीन्स जसप्रीत क्या करती है, केवल घर का काम करती है. ओ दैट्स वॉट यू थिंक डू यू, लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत वॉट शी थिंक. अब सोनाली जो है उसकी मदर बोलती, अच्छा तो तुम ऐसा सोचती हो कि जो जसप्रीत आंटी है मीन्स हरमीत मदर डिड नॉट डू एनी वर्क, she does only housework. So let's go to her home. कहते चलिए ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं हम उसके घर चलते हैं और वहां चलके उन्हीं से ही पूछते हैं कि वो ऐसा क्या सोचती हैं इस बारे में. At the Singh's house. अब सोनाली और उसकी मदर दोनों कहाँ पहुंच गए हैं, दोनों के दोनों पहुंच गए हैं जसप्रीत के घर पे, मीन्स जसप्रीत सिंह जैसा नाम है, the Singh's house. हर्षरण, Sonali's think that your wife is not working
पर्सन। तो फिर से सोनाली की मम्मी क्या करती है, जसप्रीत जो है उसके हस्बैंड है उनका नाम क्या है, हरशरण। उनसे बात करती है, बोलती है कि हरशरण मेरी बेटी ये सोचती है कि तुम्हारी वाइफ जो है वो वर्किंग पर्सन नहीं, मतलब कोई काम नहीं करती। बट इज इट नॉट दैट करेक्ट आंटी, माई मदर इज अ हाउस वाइफ, शी डज नॉट वर्क। तब तक फिर से क्या उसका बेटा बोलता है, जो बेटी है वो क्या कहती है, बेटा है, बेटा बोलता है किसका, हरमीत, कि हाँ सही तो कह रही है क्योंकि मेरी मम्मी कौन है, एक हाउस वाइफ है और वो कोई भी काम नहीं करती। बाकी यहाँ पे जो हरशरण है वो हंस रहा है। देन जसप्रीत, व्हाई डोंट यू गेट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। अब सोनाली की मम्मी कहती है कि ठीक है, जब तुम्हारे बच्चों को, बच्चे जो है उनका मानना भी यही है कि तुम कोई काम नहीं करती, तुम्हारे हस्बैंड का मानना भी यही है कि तुम कोई काम नहीं करती हो, तो तुम फॉर ए चेंज ऐसा क्यों नहीं करती हो कि कुछ रिलैक्स हो जाओ, काम बंद कर दो, एक या दो दिन के लिए छुट्टी पे रह जाओ। ग्रेट आइडिया, ओके आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो। तभी क्या बोलती है जसप्रीत कि हाँ ये अच्छा आइडिया दिया, अब मैं क्या करती हूँ कल से स्ट्राइक पे जाती हूँ, मीन्स कल से घर का मैं कोई भी काम नहीं करूंगी। वॉट ए फन, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा। अब जसप्रीत के दोनों बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं कि वाह क्या मजा आएगा जब हम पापा के साथ काम करेंगे, उनके साथ हम मजे करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 AM, ओ गॉड लुक एट टाइम, वेयर इज माई ब्रेकफास्ट, वाई आर नॉट द चिल्ड्रन रेडी। अब कौन है, हर्षरण तैयार हो रहा है 7:30 के समय का है और वो कहता अरे क्या हो गया है, देखो इतना समय हो गया अभी तक बच्चे तैयार नहीं हुए, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है। वो किससे पूछता है, जसप्रीत से पूछता है। लेकिन जसप्रीत क्या आंसर देती है, हाउ वुड आई नो, आई एम ऑन स्ट्राइक रिमेम्बर, बिसाइड मंगला हैज ऑल्सो टेकन लीव टूडे। अब उसकी वाइफ जो है हरशरण की, जसप्रीत क्या बोलती है, अरे मुझे क्या पता बच्चे क्यों नहीं तैयार हुए, तुम्हारा नाश्ता क्यों नहीं बना, क्यों, क्योंकि मैं तो स्ट्राइक पे हूँ। हाँ और एक और बात ध्यान रख लो, जो उनकी मेड है जिसका नाम क्या है, मंगला, ये क्या उन्होंने, क्या बोलती है जसप्रीत कि हाँ याद रखा, ये मुझे नहीं पता कि भाई क्यों नहीं तैयार हुए बच्चे, क्यों नहीं तुम्हारा नाश्ता बना। और एक और बात सुन लो कि मंगला भी आज काम पर नहीं आएगी, वो भी छुट्टी पर है। ओहो दैट्स द स्कूल बस, आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन अ कार। तब तक क्या है, बाहर स्कूल बस आती है, उसका हॉर्न आता है, सुनाई देता है हॉर्न। तो फिर से क्या बोलता है हरशरण, कह रहे स्कूल बस भी आ गई, अब लगता है बच्चे स्कूल बस भी नहीं पकड़ पाएंगे और मुझे कार से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा। हरी हरी एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन दी पंप। अब बाथरूम से ही क्या कहते, बाथरूम में बच्चे तैयार हो रहे हैं, नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, कि जल्दी करो। और मैं क्या करते हूँ कि उसको बोलो हरमीत को पंप ऑन करने के लिए जिससे कि पानी आ सके। बट वॉट अबाउट द किड्स लंच बॉक्सेस, ओ नो फॉरगेट अबाउट दैट। लेकिन जैसे तैसे वो तीनों लोग तैयार हो जाते हैं, उसके दोनों बच्चे और हस्बैंड हरचरण जो है वो, और उसके दोनों बच्चे तैयार तो होते हैं लेकिन क्या है, ब्रेकफास्ट भी नहीं बन पाया, मतलब लंच बॉक्सेस में क्या देंगे बच्चों को, कुछ नहीं तैयार, बस जल्दी में स्कूल के लिए भाग रहे। आई विल गिव यू सम मनी, जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम दी कैंटीन टूडे। आज जब वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है तो क्या कहता है कि ठीक है बच्चों मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, आज मैनेज कर लेना स्कूल से जो कैंटीन है वहां से कुछ लेकर खा लेना। माँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट। बच्चे बोलते हैं क्या पापा, मम्मी ने तो पैसे ऑलरेडी दे दिए हैं क्योंकि देख लिया था आज कोई लंच नहीं बना, मम्मी ने क्या किया पैसे दे दिए थे ऑलरेडी। डिंग डिंग फिर से कुछ आवाज आ रही, 6 o'clock का टाइम है शाम का। आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी, ओ आई फॉरगॉट योर स्ट्राइक, आई विल मेक सम माई सेल्फ। शाम को जब हर्षण घर आता है वापस ऑफिस से तो बिल्कुल थका हुआ है, एग्जॉस्टेड है, क्या कहता है अरे मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा एक कप चाय मिलेगी। फिर उसे याद आता है कि नहीं मेरी पत्नी तो आज किस पे है, स्ट्राइक पे। फिर क्या कहता है, ओ आई फॉरगेट अबाउट योर स्ट्राइक, मैं तुम्हारी स्ट्राइक के बारे में भूल गया था, अब मैं खुद ही बनाता हूँ अपनी चाय। द हाउस लुक्स लाइक इट वॉज हिट बाई अ ह्यूरिकेन। और जब वो घर के अंदर घुसता है तो क्या लगता है, घर में जैसे बहुत बड़ा तूफान आया हो, घर की स्थिति ऐसी थी। डिड यू एक्सपेक्ट इट टू रिमेन इट एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इट
दिस मॉर्निंग डियर. अब उसकी वाइफ आके हर्षवर्धन से पूछती है कि क्यों तुम ये सोचते हो कि कल भी, मतलब जिस तरह से आज मॉर्निंग में आप घर छोड़कर गए थे, ऐसा ही ये घर फिर से मिले, कल भी मिले. हरमीट, वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स. हरमीट, वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स. अब वो क्या कर रहा है, चाय तो बना रहा है किचन में, लेकिन उसे चाय पत्ती नहीं मिल रही है. गुस्से में पूछता है, पृथ्वी पे चाय पत्ती है कहीं, बताओ कहाँ रखी है तुमने. अब उसकी पत्नी हरमीत हंस रही है, ही. आई वंडर इफ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क. अब उसकी पत्नी खुश हो रही है कि उसे लगता है कि अब मुझे लगता है इनके अकल ठिकाने आ गई होगी, अब ये नहीं सोचेंगे कि मैं कोई काम नहीं करती थी. मीन्स एज ए हाउस वाइफ, मैं केवल हाउस वाइफ हूँ, जरूरी नहीं मैं ऑफिस में काम करूँ, मैं घर के बहुत सारे काम करती हूँ. अब इनको शायद आ जाएगी अकल कि मैं कोई काम करती हूँ कि नहीं करती हूँ. एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड देम दैट चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर. अब हरमीत बड़ी खुश है और कहती है, अरे मैंने उन्हें याद दिलाना है कि आज रात के डिनर के लिए चाचा जी और चाची जी भी आ रहे हैं. तो इस स्टोरी बोर्ड से हमें क्या पता चला बच्चों, कि यहाँ पे भी जो घर में लेडीज काम करती हैं, चाहे वो आपकी मम्मी हो, कोई भी हो, हम उनके काम की कोई वैल्यू नहीं करते, या उनके काम की वैल्यू नहीं की जाती. बोले नहीं अरे ये घर के ही काम तो करते हो. आप लोग भी कई बार अपने पेरेंट्स को बोलते हो, अरे क्या करते हो, आप तो घर में रहते हो, मजे करते हो, हम कितना स्कूल से पढ़कर आए, थके आए हैं. तो सेम उसके बच्चे भी ऐसे ही सोचते. लेकिन जब पूरा दिन उनको ये रियलाइज होता है कि सुबह से लेकर शाम तक में ही एक ही दिन में सभी के सभी लोग एग्जॉस्टेड हो गए हैं, उनके घर की हालत ऐसी है कि जैसे लगता है कि कोई तूफान आया हो, गेस्ट भी आने वाले हैं डिनर के लिए, तो ये सारे मैनेज करना उनके बस की बात नहीं दिख रही थी. वैल्यूइंग हाउस वर्क. हरमीत फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क. क्या हरमीत की जो फैमिली, उसे क्या लगता था कि जो उसकी वाइफ काम करती है जसप्रीत, वो कोई काम ही नहीं है, हाउस वर्क है वो तो. दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज अक्रॉस द वर्ल्ड. द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रन द एल्डरली एंड सिक मेम्बर्स लाइज विद द वुमेन. मोस्ट ऑफ दी हाउसेज में क्या होता है, चाहे बच्चों की देखभाल हो, बुजुर्गों की देखभाल हो, कोई बीमार पड़ गया तो देखभाल करना, बड़े लोगों की केयर करना, ये सारे काम किसके अंदर में आते हैं, बोला ये सारे काम औरतों के. ये किसको देखने हैं, एक वुमेन को देखने हैं. Yet as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as the work. और साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि औरत जो घर के अंदर काम करती है उसको बिल्कुल रिकॉग्नाइज ही नहीं, उसकी कोई पहचान ही नहीं है, उस काम में गिना ही नहीं जाता है उसको कि ये कोई काम भी कर रही है. It is also assumed that this is something that comes naturally to women. बल्कि क्या माना जाता है, कह रहे ये तो उसका काम है. मीन्स वो एक लेडी है, औरत है, तो ये उसका काम है कि उसे ये सारी चीजें, ये काम तो सबके सब करने ही है, तो ये उसका काम माना जाता है. Therefore, does not have to be paid for and society devalues this work. इसीलिए जो काम एक औरत करती है उस काम की कोई वैल्यू नहीं की जाती, उसे कोई सैलरी भी नहीं मिलती, क्योंकि वो घर के काम कर रही जा रही है, और साथ ही साथ उसकी कीमत की डीवैल्यू, मतलब कोई गिनती नहीं, कोई गणना नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसके काम की. तो स्टूडेंट, we will continue this chapter in the next video.